लेटेस्ट खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब समाचार। भारत एक विकासशील देश है, लेकिन वास्तविक विकास केवल कागजों में ही है। हम बहुत पहले से ही विकासशील भारत की बात सुनते आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है डिजिटल लोगों को जागरूक करना, क्योंकि आज दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हमें विकसित भारत का सपना पूरा करना है तो इंडिया को डिजिटल शिक्षा देना ही होगा। इंडियन यूथ एम्पावरमेंट एनजीओ के माध्यम से रिमोट एरिया के बच्चों को डिजिटल एजुकेशन दिया जाता है, जिससे वो अपना कैरियर खुद ही डिसाइड कर सकते हैं और एक अच्छा जिंदगी जी सकते हैं। इंडियन यूथ एम्पावरमेंट एनजीओ के प्रमुख सुशांत राय जी ने बताया कि जिन बच्चों को डिजिटल ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें किसी न किसी एनजीओ से ही सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि उन्हें शिक्षित करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। डिजिटल ट्रेनिंग के माध्यम से बच्चों को कंप्यूटर की सामान्य जानकारी के साथ ही साथ ग्राफिक्स, एडिटिंग, एनिमेशन जैसे रोजगार पारक शिक्षा भी दी जाती है। इस संस्था से प्रशिक्षण लेकर बच्चे कॉर्पोरेट, शैक्षणिक एवं निजी व्यवसाय जैसे काम में लगकर देश की सेवा कर रहे हैं। बच्चे देश के कर्णधार होते हैं, जिसकी बुनियाद पर ही देश का विकास टिका होता है। अगर देश के हर बच्चे को डिजिटली शिक्षित कर दिया जाए तो वो दिन दूर नहीं जब भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बनकर दुनिया का नेतृत्व करेगा। शिक्षा से समाज का विकास होता है और सामाजिक विकास की बुनियाद पर ही देश का विकास टिका होता है। उसी सामाजिक विकास की बुनियादी को मजबूत करने के लिए इंडियन यूथ एम्पावरमेंट एनजीओ डिजिटल प्रशिक्षण के माध्यम से ज्ञान की ज्योति जलाने का पुण्य कार्य कर रहा है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका IYEO जो संस्था है जी, वो किस क्षेत्र में कार्य करती है? देखिए, ये जो हमारी एनजीओ है इंडियन यूथ एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि IYEO फाउंडेशन के नाम पे है, ये बेसिकली हमारा जो भी कैंपेन और मोटिव है वो है डिजिटल एम्पावरमेंट को सपोर्ट करना। और डिजिटल एम्पावरमेंट पे बेसिकली हम काम कर रहे हैं कि लोगों को डिजिटली लिटरेट बनाया जाए। हम उन जगह उन क्षेत्रों के बच्चों को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे एजुकेशन और कंप्यूटर और इंटरनेट आज भी अवेयर नहीं है, उन बच्चों को हम डिजिटली लिटरेट कर रहे हैं। सो दैट कि ये जो हमारा मिशन डिजिटल इंडिया, डिजिटली लिटरेट मिशन, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें ये कहीं जाके कंट्रीब्यूट कर सके और हमारा जो डेवलपिंग कंट्री है वो एक डेवलप्ड कंट्री हो सके। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप जैसे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं जी जी, तो किन किन क्षेत्रों के बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, किस प्रकार से देते हैं? बेसिकली ये जो देखिये जो अच्छे घर से है, जो एक ढंग के फैमिली से है, ढंग के फैमिली कहने का मतलब यहाँ पे है जो कि पढ़ाई को अवेल कर सकते हैं, जिनको काउंसलिंग मिल रही है, उनको तो पढ़ाने वाले लोग हैं ही हैं। हमारा बेसिकली टारगेट क्या है कि हम रिमोट एरियाज में, गांव में या उन क्षेत्रों पे स्पेशली ज्यादा ध्यान दें जिन क्षेत्रों में बच्चे काफी गरीब है या उनपे पढ़ाई पे या पठन पाठन के लिए अच्छी काउंसलिंग उनको नहीं मिल पा रही है। तो उन बच्चों से हम उन रिमोट एरियाज को बेसिकली टारगेट करके उन बच्चों को हम यहाँ पे हमारे ऑफिसेस पे मतलब लेके आते हैं। हम जगह जगह वर्कशॉप और कैंपेन भी कंडक्ट कराते हैं। जैसे पिछले ही मंथ हमारा जो हरियाणा में एक हिसार जगह है वहाँ पे कैंपेन हुआ था, जिसमें काफी अच्छे लोगों ने मतलब और अच्छे तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट करा था। तो उन लोगों को बेसिकली हमारा अलग अलग कोर्स स्ट्रक्चर है जिसमें हम 3 महीने, 6 महीने और 1 साल का ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें बच्चों को डिजिटली लिटरेट बनाने के क्रम में उनको कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक मोबाइल एंड एप्लीकेशन यूजेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के कुछ जो पार्ट्स है, सारे तो हम कवर नहीं कर सकते लेकिन जो कुछ पार्ट्स है जैसे मोबाइल इंजीनियरिंग एंड टूल्स प्रोग्रामिंग हो गया, फिर से आपके कंप्यूटर एंड बेसिक एप्लीकेशन यूजेज हो गए, फिर से आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पोकन, मतलब एक बेसिक पैकेज हम बच्चों को तैयार करते हैं डिजिटली लिटरेट बनाने के क्रम में कि उनको कहीं भी जाके इस पढ़ाई से या इस एजुकेशन से आगे जाके मदद मिल पाए। अभी तक आपने लगभग कितने बच्चों को ट्रेनिंग दी चुकी है? देखिए, अभी तक हमारे कैंपेन के तहत में कुछ 500 लोगों को हमने
एजुकेट करा है, जिसमें से जो फाइनल हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सारे कोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं, सारे सर्टिफिकेट्स जो है वो ग्रैब कर लिए हैं, वो कुछ 100 के तादाद में होंगे। मतलब 100 लोगों को हमने कंप्लीट बूस्टअप कर दिया, जिन्होंने कंप्यूटर चलाना सीख लिया है, इंग्लिश की उनको नॉलेज हो गई है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया है, और उनमें से कुछ बच्चे जो है अच्छे अच्छे कुछ कुछ कंपनियों में या फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूंगा जी, हमारे दर्शक या फिर इंडिया के जो भी है, दिल्ली एनसीआर में जो रहते हैं, अगर आपसे जुड़ना चाहे और इस जो आप सुविधा दे रहे हैं इसका लाभ देना चाहे तो आपसे कैसे संपर्क करें? बिल्कुल बिल्कुल, ये आज हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, वेबसाइट्स पे जा सकते हैं eofoundation.com, और फेसबुक पे भी हमारा एक पोर्टल है, वहां भी आप जाके साइन अप कर सकते हैं, मेल डाल सकते हैं, कॉल बैक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, हमारा एक PFN नंबर भी है जहाँ पे आप जाके अगर आप अपनी इंक्वायरी भी देते हैं तो हमारे जो कंसल्टेंट है, हमारी जो टीम है वो आप तक पहुंचेगी, और उसके तहत फिर हमें से जो भी एक टीम मेंबर्स होंगे वो आप तक मतलब जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करेंगे, और वो एक अच्छी काउंसलिंग के तहत आपको फिर जोड़ेंगे। आप यहाँ कितने दिनों से पहले ट्रेनिंग कितने दिन लिया आपने? सर मैंने यहाँ ट्रेनिंग ली थी 3 महीने, उससे पहले मुझे चीजों की नॉलेज थी, उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान आपने क्या सर पहले यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखे थे, उसके बाद कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज जो मुझे आती थी तो यहाँ उससे एडवांस नॉलेज मुझे मिली, और स्किल एक ऑफिस में कैसे वर्क करता है, टीम मैनेजमेंट कैसे करता है, इन सारी चीज़ों की नॉलेज मुझे मिली। आप जैसे क्या ट्रेनिंग लीडर है, आप यहाँ लोगों को ट्रेनिंग देते हैं ऐसा मुझे मालूम चला है, तो लोगों से ऐसा कैसे लोग आते हैं उनसे जानने के लिए, क्या यहाँ नहीं जान पाते, बिल्कुल से कंप्यूटर बेसिक में नहीं नॉलेज होती है, ऐसे भी लोग आते हैं? सर हर तरह के लोग यहाँ आते हैं, तो बेसिकली हमने ये डिसाइड नहीं किया कि किसी स्कूल से जाके किसी कॉलेज से जाके लेते हैं, इवन नॉर्मल लाइफ में जब हम जाते हैं तो हमें ऐसे लोग मिलते हैं, इवन मेट्रो कोई है जो यूज कर रहा है यहाँ पे या कोई नहीं यूज कर रहा है, आई सी देम, आई ऑब्जर्व देम, देन मैं देखती हूँ कि उनके पास वो नॉलेज नहीं है या वो स्किल नहीं है, तो मैं उन्हें अपने IYU के बारे में बताती हूँ कि वहाँ एक प्रोग्राम चल रहा है एंड वर्कशॉप है, आप आ सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो, इससे आपका फ्यूचर अच्छा होगा एंड बहुत स्किल्स मिलती है इसमें। तो आप जब यहाँ ट्रेनिंग लेने आए थे तो आपसे कितना फीस लिया गया? सर यहाँ कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बताइए कि आप यहाँ ट्रेनिंग लेने कब आए थे सबसे पहले? आपको कैसे जानकारी प्राप्त हुई क्या मुफ्त में ट्रेनिंग दी जाती है? काफी सर से सबको जान होता और उन्होंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। तो क्या करना चाहेंगे इस संस्था के बारे में, जो भी फ्री सभी को ट्रेनिंग देती है और आगे भी उनको आगे बढ़ने में मदद करती है, इनकी संस्था के लिए आप क्या करना चाहेंगे? संस्था में काफ़ी सारे बच्चों को सिखा चुकी है और आगे सिखा भी है, फिर कोर्स हो जाएंगे इस कोर्स और आगे भी सिखाते रहेंगे, जितने बच्चे हैं आस पास के जितने मिलेंगे। आपको कितने दिनों से ट्रेनिंग मिलेगा? 2 महीने से प्लस मिले। आपको यहाँ के बारे में जानकारी कौन से दिया? तो आगे अगर कोई बच्चा आना चाहे तो उनके लिए क्या, इस संस्था के लिए क्या कहेंगे इस बच्चे जो आना चाहे, आपसे कुछ राय है उसे क्या करना चाहिए? उसे ये कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छा और उसका बहुत वेरी गुड थिंग है, उसे जरूर आना चाहिए और उसकी लाइफ में इससे लाइफ में कुछ ज़्यादा फायदा ही मिलेगा, कुछ नुकसान नहीं मिलेगा और कुछ सीखने को ही मिलेगा, कुछ